फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जैसे कि हम राधा कृष्ण कमीशन भी कहते हैं, तो उसके बारे में जान रहे थे। ठीक है, तो हमने जो है इसके एम रिकमेंडेशंस जानने थे और उसके जो है कुछ एम्स जानने थे। तो अब जो है आगे इनके जो है मेन पॉइंट्स जानेंगे। सबसे पहले जो है इसमें टीचर की एज रखी गई थी रिटायरमेंट की, कि एक जो टीचर है उसकी एज कितनी होगी, 60 ईयर्स जो है रिटायरमेंट की एज होगी। उसको प्रोविडेंट फंड्स दिए जाएंगे ताकि जो है उसकी अच्छी सैलरी हो। फिर उसके बाद जो है सैलरी स्केल अच्छा करने के बाद उन्होंने क्या किया था कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए थे फेलोशिप के लिए और डिफरेंट ठीक है वर्किंग आवर्स उन्होंने डिनोट किए हुए थे कि 18 जो है वर्किंग आवर्स होने चाहिए, 18 दिन एक वीक में जो है एक वीक में 18 पीरियड्स जो हैं वो होने चाहिए, मतलब कि 3 पीरियड जो है पर डे में टीचर लगाएगा। और अगर हम बात करें करिकुलम की, तो सब्जेक्ट जो है उन्होंने उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया और जिसमें जो है अलग अलग फेजेस ऐड किए एजुकेशन के, कि इसमें जो है बच्चों को ऑक्यूपेशनल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, बच्चों को जो है लिबरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, हर तरह की जो है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी वो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच थी, ठीक है, इसमें जो है रिजिडिटी नहीं थी और इसमें जो है लाइफ सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई थी कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है जिससे वो उनकी लाइफ में भी यूज़ हो सके और आगे से आगे जो है वो डिवेल्प कर सकें। और इसमें जो है ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज, हिस्ट्री, मैथ्स वगैरह जो है SST, साइंस में अगर हम बात करें तो मैथ्स, फिज़िक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, ये सब जो है वो रखे गए थे। और पोस्ट ग्रेजुएशन भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी, मतलब कि क्लास रखी गई थी कि पोस्ट ग्रेजुएट भी बच्चे हो सके, PhD के लिए डिग्री भी जो है वो 2 साल के लिए इन्होंने एक्सटेंड कर ली थी, मतलब कि व्यक्ति जो है वो डॉक्टरेट भी हो सकता था, उसके लिए उसको PhD करनी थी, तो PhD के लिए जो है इन्होंने क्या किया था कि फेलोशिप जो है बढ़ा दी थी 2 साल तक। और उन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है स्कॉलरशिप की थी कि जो बच्चा अगर कोई MSc करता है, MSc स्टूडेंट है, तो उसके लिए फेलोशिप जो है वो उन्होंने रख दी थी। फिर अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन जो है इन्होंने मंथली एग्जामिनेशन भी रखे, यूनिट टेस्ट भी रखे, जैसे कि हम पीरियोडिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। फिर उसके बाद जो है क्रेडिट्स भी रखे कि बच्चा जो है क्लास में कैसा काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एग्जामिनर सिलेक्ट करते थे बच्चों को, 70% से ऊपर हो तो फर्स्ट डिवीज़न मानी जाती थी, 55 से 69% तक सेकंड डिवीज़न और 40% जो है थर्ड डिवीज़न उस टाइम पे मानी जाती थी। ये जो है किसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की। और इसमें जो है बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी प्रोवाइड किए जाते थे, वाइवा लिया जाता था बच्चों का, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पे जो है इसमें जोर दिया जाता था ताकि बच्चा जो है प्रोफेशनली सीख भी सके। और इसमें जो है प्रोफेशनल एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, जिसमें जो है एग्रीकल्चर एजुकेशन रखी गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके लिए बहुत सारी लेबोरेटरीज बनाई गई, एग्रीकल्चरल रिसर्च भी की गई, पॉलिसीज बनाई गई। फिर उसके बाद जो है इन्होंने एजुकेशन ऑफ कॉमर्स पे भी जोर दिया, मतलब कि कॉमर्स की एजुकेशन दी, ठीक है, ताकि बच्चों को मतलब जो है प्रैक्टिकल वर्क इनको ट्रेनिंग भी दी जा सके। फिर उसके बाद जो है मेडिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड की गई ताकि जो है डॉक्टर्स जो है वो बन सकें, लोगों की हेल्थ जो है वो सही रहे, नर्सिंग वगैरह, और इस पर भी रिसर्च वर्क को जो है इन्होंने प्रमोट किया। फिर अगर हम बात करें तो इसमें जो है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन पे भी जोर दिया गया ताकि बच्चे जो हैं इंजीनियर्स वगैरह भी बन सके और टेक्नोलॉजी जो है वो आगे से आगे बढ़ सके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये राधा कृष्णन कमीशन की, तो इसमें जो है कल्चर के बारे में भी बात की जाती है और प्लस इसमें जो है वो क्या चाहते थे, कल्चर के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी भी बढ़े, साइंस भी बढ़े, मतलब कि वो जो है डिवेलपमेंट के लिए भी काम करते थे। फिर अगर हम बात करें लो एजुकेशन की, तो इसमें जो है इन्होंने 3 साल की लॉ डिग्री का जो है इन्होंने रिकमेंड किया एडमिशन की, 3 साल के लिए जो है डिग्री होती थी, जिसमें जो है फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती थी, रिसर्च के लिए कोर्सेज जो हैं ऐसे इस जैसे नहीं थे वैसे, जैसे कि हम कहते हैं BA LLB वगैरह, तो लो एजुकेशन थे जिसमें जजेस वगैरह या लॉयर्स वगैरह जो हैं वो बन सके, अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं वो इजीली सॉल्व हो सके। फिर है टीचर एजुकेशन, मतलब कि टीचर ट्रेनिंग, तो उसके लिए आपको पता ही है कि ETT, BEd, MEd के कोर्सेज वगैरह हैं,
इसके लिए रिसर्च एक्सपीरियंस टीचर्स हों ताकि टीचर को जो है ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि वो अच्छे से टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा सके, बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। फिर अगर हम बात करें तो ये जो है रिलीजियस एजुकेशन की भी बात करता है, क्योंकि मैंने आपको एक दो बार फिर से ये पॉइंट समझाया है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो चाहे हमारे कल्चर की बात करती है, लेकिन कई ऐसा होता है ना कि सिर्फ कल्चर की बात करते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात नहीं करते, न्यू आइडियाज़ को जो है प्रायोरिटी नहीं देते। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है उसमें जो है कल्चर के साथ साथ हमारी रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ हमारी जो है टेक्नोलॉजी को साइंस को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से रिलीजियस एजुकेशन भी जो है इसका एक पार्ट था, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन दी जानी चाहिए, और वो रिलीजियस एजुकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है चैप्टर्स लगाए गए SST में या डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, जो है इंटीग्रेटेड कोर्स हो गए, चाहे इंटीग्रेशन कह सकते हैं हम, चाहे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ डिफरेंट डिफरेंट जो है इन्होंने चैप्टर्स लगाए, ताकि बच्चा जो है हर धर्म के बारे में जो है जागरूक हो सके। इसमें जो है साइलेंट मेडिटेशन, योगा पे जोर दिया गया, बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया गया, जीसस के बारे में पढ़ाया गया, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ाया गया। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जो है धर्म को इंफेसिस किया गया, इसमें हर धर्म का एक एक चैप्टर लगाया गया, ताकि बच्चों को जो है डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि इंडिया जो है उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो इसीलिए जो है अलग अलग धर्म के बारे में बच्चा जो है वो जान सके, ठीक है। तो इसमें जो है चाहे बुद्धा जी हैं, जीसस हैं, मोहम्मद जी हैं, गुरु नानक देव जी, कबीर, स्वामी दयानंद, इन सब के बारे में पढ़ाया गया, ठीक है। जैनिज्म के बारे में भी पढ़ाया जाता था, ताकि बच्चे जो हैं वो सीख सके, ठीक है। इसमें कुछ आप और एडिशन कर सकते हो, ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, महाभारत के बारे में, जो है कई बार ऐसे चैप्टर्स होते हैं, चाहे हिंदी में कहें या वैसे कहें, जिसमें बच्चों की जो है रिलीजियस नॉलेज बढ़ती है। वो क्यों सिखाए जाते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो उनमें ह्यूमन वैल्यूज़ आएँ, वैल्यूज़ को सिखाने के लिए ही जो है ये सारे रिलीजियस एजुकेशन या रिलीजियस चैप्टर्स जो हैं वो जोड़े गए हैं, ताकि बच्चा जो है अपने कल्चर के साथ साथ भी जुड़ा रहे, ठीक है, साथ में उसकी जो है डेवलपमेंट भी हो सके, टेक्नोलॉजिकल और साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी जान सके और साइंस के बारे में भी वो जान सके, ठीक है। इन सब के साथ साथ इन्होंने और क्या किया, अब इन्होंने जो है वुमेन एजुकेशन पे भी जोर दिया। इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि रिलीजन की बात कर दी या जो है टीचर्स की बात कर दी या साइंस की बात कर दी, कॉमर्स की बात कर दी, इन्होंने जो है वुमेन एजुकेशन पे भी जोर दिया कि सभी को इक्वालिटी होनी चाहिए, वुमेन जो है उनको भी इक्वल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनको जो है मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, और एक तरह से जो वुमेन एजुकेशन वो क्या है, एक तरह से वुमेन का राइट है और ड्यूटी भी है कि उनको जो है नॉलेज प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति है इंडिया में तो उनके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, जेंडर के बेस पे जो है किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसमें जो है को एजुकेशन को जो है उस पर जोर दिया गया। फिर अगर हम बात करें तो रूरल एजुकेशन की, रूरल एजुकेशन में भी जो है इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी रिकमेंड की, ताकि बच्चे जो हैं रूरल जो बच्चे हैं, गाँव के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें, उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा डिवेलपमेंट हो सके। क्योंकि जितना जो है एजुकेशन गेन करेगा, जितने बच्चे गेन करेंगे उतना ही जो है हमारी जो है देश की डेवलपमेंट होगी। तो ये जो है मोस्टली हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में था। कुछ पॉइंट्स रह गए हैं सो हम वो कल करेंगे। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।